तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.10 डॉलर्स का प्रॉफिट तो यार प्रॉफिट यहाँ पे ना स्क्रीन पे चल रहे दृश्यों से आप समझ सकते हैं 4.20 डॉलर्स का अगेन प्रॉफिट अगेन गाइज अगेन 4.20 ह्यूज विन जीरो ह्यूज आईटीएम एम थ्रेड स्ट्रेटजी अप्लाई कैसे करते हैं वो मुझे सीखने को मिला न्यूज इम्पैक्ट कैसे देखते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाकर के डेली क्या डेली प्रॉफिट टारगेट एंड लॉस टारगेट This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes only. Trading in any form involves risk. So before everything you do, analyze your financials and then decide. We are not responsible for your any kind of losses. 18 plus only. यह चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस चैनल द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी विषय केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए हैं। Trading करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। किसी भी रूप में व्यापार में

कैसे शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले जाएंगे इकोनॉमिकल कैलेंडर वाले सेक्शन पे वहां पे चेक करेंगे कि आज किस करेंसी पेयर पे ट्रेड लेना हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है उसके बाद क्या करने वाले हैं हम आएंगे यहां पे और चेंज करेंगे हमारा करेंसी पेयर आप प्रॉफिट परसेंटेज के साथ और उसके बाद हम यहां पे ट्रेडिंग करेंगे एक पर्टिकुलर टारगेट रखेंगे यानी कि लॉस टारगेट और प्रॉफिट टारगेट आपको तो पता ही अगर आपने प्रीवियस ट्वेंटी पार्ट्स देखे होंगे तो आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि प्रॉफिट टारगेट और लॉस टारगेट कितना इंपॉर्टेंट होता है आपकी डेली ट्रेडिंग के लिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फिक्स टाइम ट्रेडिंग अगर आप जाते हैं फॉरिक्स या फिर शेयर मार्केट में तो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो यार ये वीडियोस हैं ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए पच्चीस एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखना है हर एक एपिसोड में कुछ नया कुछ अलग आपको देखने को जरूर मिलेगा ट्रस्ट में चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन देख सकते हैं इकोनॉमिकल कैलेंडर मैंने ओपन किया क्या करना है इकोनॉमिकल कैलेंडर ओपन करने के लिए जस्ट गूगल पे जाना है टाइप करना है इकोनॉमिकल कैलेंडर इन्वेस्टिंग डॉट कॉम या फिर कोई भी वेबसाइट आप चाहें ठीक है तो इस तरीके का इकोनॉमिकल कैलेंडर या इंटरफेस मैं कहूंगा आप लोगों के सामने आ जाएगा अब यहां पर ये लाइन देख रहे हैं ना अब इस लाइन का मतलब कि अभी फिलहाल आफ्टर ट्वेंटी टू मिनट्स यूरो की एक न्यूज है उसके बाद देखेंगे आप बाकी मेरे न्यूज़ कुछ काम की नहीं है नौ बजे जो न्यूज़ है वो यूरो की अगेन है तो मतलब सिंपल सी बात है यार मैं यूरो पे ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि 22 मिनट बाद न्यूज़ है तो हो सकता है कि इम्पैक्ट गिरे और न्यूज़ की जो नॉलेज है वो अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है कि न्यूज़ इम्पैक्ट का प्रभाव किस डायरेक्शन में गिर सकता है और न्यूज किस टॉपिक से रिलेटेड है क्योंकि थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ती है इस चीज पे तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे हम करेंगे स्किप यूरो के पार्ट को हम पेयर हम ट्रेड ले सकते हैं यूएसडी जीबीपी कैड इन सारे पेयर्स के साथ ठीक है तो अभी फिलहाल इतना समझ आ गया कि यहां पे कैसे इकोनॉमिकल कैलेंडर देखना होता है अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दो और यार फ्री में बट रहे हैं टेलीग्राम पे आ, जो सिग्नल्स है तो आप ज्वाइन कर लो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाले चलिए यार अब आते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर और यार आपको तो पता ही होगा लास्ट टाइम हमारा लॉस हो गया था हम जैसा कि आपको पता है लास्ट टाइम लास्ट पार्ट में काफी बड़ा लॉस हो गया था और जिसके बाद इतना बड़ा ब्रेक भी हो गया जो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं दैन फिर कंटिन्यू करते हैं 156 डॉलर्स हैं हमारे पास लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हेयर So, आज का हमारा प्रॉफिट टारगेट हम रखते हैं ट्वेंटी डॉलर का लॉस टारगेट हम रखते हैं टेन डॉलर का सो लेट स्टार्ट अब प्रॉफिट टारगेट अगर हमारा ट्वेंटी डॉलर का है सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम फाइव डॉलर एटलीस्ट और सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे करेंसी पेयर चेंज करेंगे अगर यूरो के साथ ट्रेड नहीं ले सकते तो आई विल गो विथ जीबीपी यूएसडी आपका क्या कहना है आपको क्या लगता है कि अगर यूरो के पेयर के साथ हम ट्रेड नहीं ले सकते तो कौन से पेयर के साथ मुझे ट्रेड लेनी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें इस चीज को चलिए मैं अभी ट्रेड लेता हूं फिलहाल जीबीपी यूएसडी के साथ क्योंकि 82 परसेंट का रिटर्न है और हमेशा अच्छा रिटर्न यहां पर आप आपको देखने को मिल जाता है अब यार आप लोग बोलेंगे क्या कोई स्ट्रेटेजी आज के दिन हम यूज करने वाले हैं जी हाँ तो यार इस अकाउंट में ट्रेडिंग करने से पहले मैंने काफी ट्रेड करी थी फ्रॉम द मॉर्निंग और व्हाट आई गॉट लाइक एम की जो स्ट्रैटेजी है अमेजिंग वर्क कर रही है फॉर टुडे याद है यार आपको बीच में एक सीरीज लेके आया था जहां पे मैं आपको बताता था कि आज के दिन की सबसे बेस्ट करेंसी पेयर बेस्ट स्ट्रैटेजी मतलब बेस्ट मार्केट टाइमिंग कब होने वाला ये सब कुछ मैं बताता बट यार आप लोगों का ना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था उस आ, सीरीज पे अगर आप लोग फिर से चाहते हैं ऐसा कुछ इंटरेस्टिंगली टेलीग्राम के ऊपर देखना तो यार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं क्योंकि एमएससीडी की अब आप आपको क्या पता ऐसे यार मतलब अगर आप जब तक ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कौन सी स्ट्रैटी कब अच्छी काम करती है तो यार एमएससीडी की स्ट्रैटी जो है फ्रॉम द मॉर्निंग आईम यूजिंग और अच्छी काम कर रही है तो आज हम यही यूज करने वाले फ्रॉम द मॉर्निंग आई एम यूजिंग बट विद नॉट द सेम अकाउंट अलग अकाउंट के साथ किसी और अकाउंट के साथ मैंने ट्राई किया था यार एक और बात मैं बोलना चाहूंगा बिफोर वे स्टार्ट द ट्रेड यार चैनल के ऊपर ना हर एक चीज एब्सोल्युटली फ्री है यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई पैसे आपसे नहीं मांगे जाते एब्सोल्युटली सारी चीजें फ्री है चाहे मेरे से बात करना हो सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन करना हो कुछ भी तो अगर आपको कोई पैसे का लालच देता है कि अभी के नाम पर अगर कोई पैसे मांगता है तो आपको नहीं देने एप्सोल्यूटली सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको फ्री मिलती हैं ओके तो अब हम जाते हैं ऑक्सीटर्स में मैंने एमएसईडी पे क्लिक किया और यहां पे आप देखेंगे एमएसईडी की जो स्ट्रेटजी है वो अप्लाइड हो चुकी है तो फिलहाल हमें क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं आपको डायरेक्शन के लिए क्योंकि अगर यार देखिए आपने मेरी वीडियो नहीं देखी एमएससीडी वाली तो आप जाके चेक कर सकते हैं मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि, कि किस तरीके से हम इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं बट फिलहाल मैं आपको एक एक स्टेप नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस स्ट्रैटेजी के बारे में क्योंकि वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं आज हम सीधा इस स्ट्रैटी को यूज करेंगे पाँच डॉलर की ट्रेड है एक मिनट का हमारा टाइम है और uh, किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए आपको क्या लगता है आपके सामने ग्राफ है स्किल टेस्ट कर लो आपकी किस डायरेक्शन में जा जाना चाहिए फॉर द नेक्स्ट वन मिनट आई नो कि वन मिनट बहुत रिस्की होता है दिस काइंड ऑफ सिचुएशन के लिए बट फिलहाल अगर हम एमएसई की यूज कर रहे हैं स्ट्रैटी तो हम एक मिनट के लिए ट्रेड ले सकते हैं तो 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 विच डायरेक्शन थिंकिंग गाइस तो यार काफी टाइम से मैं वेट कर रहा था इस रेड कैंडल का मतलब यार अगर रेड कैंडल बनती है तो इंडिकेशन हमारे सिंपली डाउनवर्ड डायरेक्शन को दर्शाते हैं तो यार अभी मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन जाऊंगा और आपसे बात करते करते मैंने सिग्नल भी मिस कर दिया गोइंग uh, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूं मैंने ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो क्या करते हैं आफ्टर दिस ट्रेड फिर से मुलाकात करते हैं तो पे आप देख सकते हैं का प्रैक्टिस करते हैं ना किसी का प्रॉफिट लेके हालांकि बहुत क्लोज था बट इवन दो जब आप प्रैक्टिस करते हैं आप, आप टाइम देते हैं तो होता क्या है ना कि स्ट्राटेजी और इंप्रूव होती है अकॉर्डिंग टू मतलब मेरे हिसाब से मुझे पता लगेगा कि मुझे किस टाइम पे कौन सी स्ट्राटेजी यूज करनी है मैं आज ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं मेरे को यार मेरा ज्यादा बड़ा गोल नहीं है ट्वेंटी डॉलर्स का गोल है और जबकि आपको पता है टेन डॉलर से यहां तक अपने इस अकाउंट को लेके आए हैं बहुत बड़ी बात है तो यार जैसे ही हम ट्रेड करते हैं ना तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इवन यार सारी जो चीज़ें ना बराबर बराबर रोल अदा करती है चाहे मैं बात करूं करेंसी पेयर की चाहे मैं बात करूं मार्केट की चाहे मैं बात करूं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस प्लान की मार्टिंगल स्टेप्स की एवरीथिंग एवरीथिंग डॉलर मैंने क्यों चूज किए इसके पीछे भी कहानी यार मतलब अगर आप पूरी सीरीज देखोगे ना आपको सारी समझ आ कैसे ट्रेड करना है सिर्फ इतना समझो कि डॉलर डॉलर का अकाउंट था उसको हम एक तक ले के दिन में यार मुझे पता है टाइम थोड़ा बड़ा है ज्यादा टाइम लग गया लेकिन ट्रस्ट भी यार अगर आप कैलकुलेटिवली ऐसा देखो कि दस डॉलर के कितना टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि दस को दस से भी मल्टीप्लाई करते तो भी कितना होता है सो यानी हमने उसको डेढ़ सौ गुना अभी तक बढ़ा चुके अगर कैलकुलेटिवली देखो आई मीन नॉट डेढ़ सो गो एम वेरी वीक इन मैथ प्रो बट कैलकुलेशन कर लो यार अपने हिसाब से बट ट्रस्ट मैं अगर सोचो ये दस डॉलर की जगह होते हजार डॉलर तो अभी इस अकाउंट में कितने दिख रहे होते कितना कितना पैसा दिख रहा होता इन जस्ट ट्वेंटी फाइव मिनट्स सॉरी गाइस चलिए यार बात करते करते दे, अगेन देखो एक सिग्नल मिस कर दिया मैंने आपको क्या लगता है नेक्स्ट ट्रेड मैं किस डायरेक्शन में लेने वाला हूं वीडियो को पॉज कीजिए कमेंट कीजिए और देखिए कि आपकी सोच या राय मेरे से मिलती है या नहीं मिलती सो गाइज यहाँ पे अब मैं ट्रेड लेने वाला हूं नेक्स्ट ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ज्यादा लोगों ने बोला ही होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कमेंट सेक्शन में ऑफ कोर्स। तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड जो है वो ले रहा हूँ और यहाँ पे हमारे डेली टास्क भी कंप्लीट हो गए हैं डेली टास्क और चलिए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पे आप देख सकते हैं मुलाकात करते हैं आफ्टर दिस ट्रेड गाइज पे ना स्क्रीन पे चल रहे दृश्यों से आप समझ सकते हैं फोर पॉइंट टू जीरो समझ आया कि कौन सी स्ट्रैटेजी फिलहाल वर्क कर रही है चलिए नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं और मुझे लगता है आप लोगों के अंदाजे काफी सही होंगे और मजे ले रहे होंगे यार वीडियो में अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो यार टेक्निकल अभी जरूर लिखे कॉमेंट सेक्शन में थैंक यू सो मच चलिए नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रेड हमारी किस डायरेक्शन में होने वाली है लेट मी थिंक गाइस तो यार मैं ट्रेड लेने वाला हूं अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी अपवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि अगर आप नीचे एमएससीडी को देखेंगे तो एमएससीडी भी थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है टू तो गो इन अपवर्ड डायरेक्शन कोई बात नहीं लेट्स सी आफ्टर दिस ट्रेड आपको भी पता लग जाएगा मुझे भी पता लग जाएगा देखते हैं अगेन गाइज अगेन फोर पॉइंट टू जीरो और आप देख सकते हैं इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन होने के बावजूद ये कहानी है अभी तो फ्लक्चुएशन इतने हो रहे हैं अभी सोचो अगर मार्केट नॉर्मल होगा तो क्या हो सकता है बट अगेन मैं कह रहा हूँ हंड्रेड परसेंट आई टी एम ट्रेड्स की कोई गारंटी नहीं होती है नो बडी कैन गिव यू द गारंटी ऑफ हंड्रेड परसेंट आई टी एम ट्रेड्स प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मतलब लोग हैं जो देते हैं बट ऐसा होता नहीं है ट्रस्ट वे ये जो भी ट्रेड्स हैं अब हो सकता है लॉस में जाए या जो भी ट्रेड्स है ना इनकी अलग कहानी होती है आप समझने की कोशिश कीजिए ऐसा नहीं है कि हर एक ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होगी आप डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने अकाउंट को कैसे प्रॉफिट में रखते हैं ये टोटली डिपेंड करता है ट्रेड आई टी से कोई लेना देना नहीं है ट्रस्ट मी में ये अगर आप पहली बार हो आपको नहीं समझ आ रहा क्या है पीछे के पच्चीस पार्ट देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है अभी तक पाँच दिन लॉस किया है कॉन्टिन्यूसली आप चेक करेंगे प्रीवियस पार्ट्स में लेकिन उससे कोई फर्क पड़ा नहीं फिर भी हमारा दस डॉलर का अकाउंट एक सौ सत्तर डॉलर पर पहुंच चुका है अभी आप देख सकते हैं चलिए एक और ट्रेड लेते हैं फाइव डॉलर्स की और अगर होप फुली प्रॉफिट में जाती है तो आज के दिन का सेशन हम यहीं पर फिनिश करते हैं नहीं जाती है देन सोचते हैं यार आगे क्या कर रहा है दोस्तों यहाँ बिना फ्लक्चुएशन देख सकते हैं मतलब अल्टीमेट लेवल के फ्लक्चुएशन है भैया अल्टीमेट लेवल के फ्लक्चुएशन भैया रेड केडल बन के पलट के ग्रीन बन जा रही है नहीं यार मतलब होनी जो नहीं चाहिए थी जीबीपी और यूएसडी पे बट

क्या होता है आपको ही पता लगेगा मेरे को भी पता लग जाएगा आफ्टर दिस ट्रेड मुलाकात करते हैं एक बार फिर से मतलब, मतलब यहीं तक था आज का हम आपका और मेरा सफर अब यार आप लोगों में से काफी लोग बोलेंगे कि यार, यार, ट्रेड क्यों नहीं कर रहे इसके आगे आपका तो हुआ है ना, आप ट्रेड क्यों नहीं करके दिन का ट्वेंटी डॉलर वो हिट हो चुका है तो इसके आगे फिर मैं ट्रेड नहीं करूंगा देखिये यार हर एक चीज का ना टारगेट सेट करना जरूरी होता है अगर यहाँ पे टेन डॉलर का लॉस हो जाता तो भी मैं स्टॉप करता ये जरूरी नहीं कि मेरे पास इतना बैलेंस है अकाउंट में तो मैं क्यों नहीं ट्रेड करूँ लेकिन एक एक अगर आपने सेट किया तो उसके ऊपर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका नहीं तो फिर आपका अकाउंट कब जीरो हो जाएगा आपको भी नहीं पता लगेगा ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगा से तक पहुंच के गिव अवे भी हो गया यार, इसी पूरे अमाउंट का अमेजिंग यार आई होप तक पहुंच जाए बहुत अच्छा सफर रहे बहुत अच्छी जर्नी हो हालांकि काफी ज्यादा एपिसोड्स बन जाएंगे बट फिर भी मैं चाहूंगा अगर पॉसिबल हो पहुंचना तो पहुंचे आप लोगों का साथ ऐसे ही रहना चाहिए जैसा अभी है और यार भाई के लिए यार लाइक कमेंट शेयर करा करो वीडियोस को ताकि थोड़ी हिम्मत मिले आगे आने वाले पार्ट्स के लिए हेलो भैया जय श्री राम कैसे हैं आप आपके आशीर्वाद से हम भी बहुत अच्छे हैं भैया आपका मैं डे वन से डे नाइनटीन तक हर एक वीडियो देखा हूँ और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है बात रहे कि मेरा कैमरा क्वालिटी का तो सही नहीं है क्योंकि मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है और वो भी टूट चुका है भैया हम बात करें सीखने का तो स्ट्रेटजी अप्लाई कैसे करते हैं वो मुझे सीखने को मिला पहली चीज़ें दूसरी क्या है कि न्यूज इम्पैक्ट कैसे देखते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पर जा करके उसमें क्या क्या होती है वो सब सीखने को मिला है और रजिस्टेंस सपोर्ट ये भी सीखा मैंने और जो मेन जो होती है वो होती है कि डेली क्या डेली प्रॉफिट टारगेट एंड लॉस टारगेट वो मुझे बेहतर तरह से सीखने को मिल रहा है और आपका वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही आप वीडियो बनाते रहिए और इसको और इनक्रीज कीजिए इस अमाउंट को और बात रही कि मैंने कल आपका वीडियो देखा उन लोग सारे जो कर रहे हैं बहुत गुस्सा आया मैंने गालियाँ भी दिया लेकिन क्या करें बाकी मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियो के लिए स्टे ट्यून कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द